वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु, अ स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ल्ड। और हमारे साथ सीखिए बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश। दिस इज सुरेश मोर। और फ्रेंड्स, आप अपने नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके फिर से एक बार तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने के लिए। और आज हमारे इस वीडियो में हम फिर से बनाते हैं हमारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में। जिस तरह से हमने बनाए नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, उसी तरह से हम ध्यान देकर के फिर से बनाएंगे कि किस तरह से हमने जब डिड का उपयोग किया तो मेन वर्ब में लगने वाले सेकंड फॉर्म को वापस हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हुए हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच बनाए थे। उसी तरह के सेंटेंसेस हम देखते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को साथ में देखा है तो आपने देखा होगा कि नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना किस तरह से जरूरी होता है हमारे जीवन में जब हम अंग्रेजी का यूज कर रहे होते हैं, और कैसे इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, कैसे हम हमारे जीवन में क्वेश्चन बोलने के जो फॉर्मेट होते हैं, किसी से पूछने के, क्वेश्चन को समझने के जो फॉर्मेट होते हैं, उसे हम समझ सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए उसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ, हमने जो लिंक आपके साथ शेयर किया है उस लिंक को जरूर देख करके आप पिछले वीडियोस को रिपीट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस के साथ में जरूर इस सेंटेंसेस को फिर से सिंपल पास्ट के सारे सेंटेंसेस के पैटर्न को एक बार देख लीजिए। और हमारे जितने भी हमने अब तक के हमारे लेसंस आपके साथ में हमारे शेयर किए हैं इस वीडियो के साथ में, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेसन देख सकते हैं और उन्हें बेहतर ढंग से सीख सकते हैं कि हम किस तरह से हमारे जीवन के सेंटेंसेस, हमारे अंग्रेजी के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो हमने आज यहाँ पर जो सेंटेंसेस शेयर किया है वो कुछ इस तरह के होंगे जो मिक्स सेंटेंसेस हैं, और उस मिक्स सेंटेंसेस को हम नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच आदि बनाएंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं सेंटेंसेस किस तरह से आते जा रहे हैं, और उन सेंटेंसेस को फ्रेंड्स आप अपनी नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए और लिखते जाइए फिर से एक बार हमारे साथ। जिस तरह से आपके पास अब अच्छे से नोटबुक तैयार होती जा रही है, आपके उस डायरी उस नोटबुक में अच्छे से सेंटेंसेस होते जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस हम हमारे जीवन में बनाते हैं। हमने कैसे आपको बताया है कि जब सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं तो हमें उस समय हिंदी के जो वाक्य होते हैं, करता था, करती थी, मतलब ता था, ती थी, ते थे, और जो हमारी मात्राएं होती हैं हिंदी की, आ के मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या ए की मात्रा से सेंटेंसेस के हिंदी के अंत होते हैं, हिंदी के वाक्य होते हैं। तो चलिए हम, आप देख लीजिए स्क्रीन पर, आप पढ़िए सारे सेंटेंसेस को, देखिए कि किस तरह से हमारे सेंटेंस ता था, ती थी, ते थे से एंड हो रहे हैं या हमारे आ की मात्रा से जो सेंटेंस है वो एंड हो रहे हैं। और आप हमारा सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए। हमारा सेकेंड नंबर जो सेंटेंस है वो जैकफ्रूट, दुकानदार का कटहल पहले से पका था। उस कटहल को वो पकाता नहीं है, मतलब कोई एक्शन, कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं करता है दुकानदार, तो आपको सेंटेंस वाज से बनाना चाहिए। उसके ठीक नीचे दुकानदार केला पकाता था, तो वहां पर वो दुकानदार है जो केला पकाने का काम करता है, तो यहाँ पर हमने वर्ब यूज किया है हाइफन। ऐसे ही आप हमारा छठवां नंबर सेंटेंस देखिए। तो आप कोने में थे, मतलब वो कोने में पहले से थे, तो हमें वहां पर जो वर्ब यूज करना है वो यू आर इन कॉर्नर, तो हमें मेन वर्ब यूज करना है। नीचे के सेंटेंस में सातवें नंबर सेंटेंस में तुम कोने में बैठते थे, तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है बैठने का, तो यू सेट वहां पर हम वर्ब यूज करेंगे। लेकिन छठवें नंबर में मेन वर्ब नहीं है, तो हमने सेंटेंस सहायक क्रिया वाज वर्ब से बनाना है। और ध्यान रखिए वाज वर्ब भी सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं, जो हम सहायक क्रियाओं से करने वाला सिंपल पास्ट होता है, हम उस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे आप हमारा आखिरी का सेंटेंस दसवां नंबर सेंटेंस देखिए। वे जेब कतरे से सावधान रहते थे, तो वहां पर भी वो सावधान थे, सावधान रहते थे, तो वहां पर भी हमें सेंटेंस वाज वर्ब से बनाना है। और जेब कतरे के लिए हमने आपके साथ यूज किया है कुछ वर्ड भी शेयर किया है जिसे हम पिक पॉकेटर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम इन सेंटेंस को चलिए अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, देखेंगे कि हमारी ये मिक्स सेंटेंस कैसे हैं, जब हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, या वाज वर्ब से सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। और ये सारे सेंटेंस हमारे सिंपल पास्ट होंगे, या तो हम मेन वर्ब से बनाएंगे या हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो चलिए आप अपने नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए फिर से एक बार तैयार हो जाइए। ये हमारा वीडियो नंबर 4 है पास्ट इंडिफिनिट के लिए, और हम पास्ट इंडिफिनिट में जो सेंटेंसेस बना रहे हैं हमें ध्यान देना है कि मेन वर्ब के साथ हमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हमने आपके साथ में लिंक शेयर कर लिए वो वीडियोस आप हमारे साथ में जरूर देख लीजिए, जिससे आपको सेकंड फॉर्म वर्ब के, थर्ड फॉर्म वर्ब के याद करना आसान हो जाएगा कि किस तरह से वर्ब के सेकंड, थर्ड फॉर्म बहुत कम 230 वर्ब के साथ में आप पूरी डिक्शनरी के सेकंड, थर्ड फॉर्म याद कर सकते हैं। तो हमने लिंक शेयर किया है आपके साथ। चलिए हमारा आंसर पहला आ गया है आपके स्क्रीन पर। स्लोथफुल बॉयज डिड नॉट वर्क हार्ड, जो आलसी लड़के थे वो मेहनत नहीं करते थे। When did slothful boys work hard? तो हमने कलर कोड से अलग अलग आपको दिखाया है। क्वेश्चन देखिए, आलसी लड़के कब मेहनत करते थे? When did slothful boys work hard? हमारा अगला सेंटेंस है सेकंड और थर्ड। जैकफ्रूट ऑफ शॉपकीपर वाज राइप, हमने बताया था आपको कि ये हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब से बनने वाला वाज का सेंटेंस है। जैकफ्रूट वाज नॉट राइप, कटहल पका नहीं था, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव भी वाज से ही बनाना होगा। लेकिन आप ऊपर का पहला सेंटेंस देखिए, स्लोथफुल बॉयज डिड नॉट से हमने नेगेटिव बनाया है, डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि वहां पर वर्क हमारा मेन वर्ब है और यहाँ पर जो हमारा वाज है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस था।
तीसरा नंबर है शॉपकीपर राइपेंड बनाना, दुकानदार कटहल पकाता था। डेट शॉपकीपर राइपेंड बनाना, क्या दुकानदार कटहल पकाता था। व्हाट डिड साहिब शॉपकीपर राइपेंड, दुकानदार क्या पकाता था। तो हम आप देख रहे हैं हमारे साथ में कि किस तरह से हम नेगेटिव इंटरगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस एक साथ मिक्स करके बना रहे हैं। हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को यूज करते हुए सेंटेंसेस बना रहे हैं ताकि आप हर प्रकार के सेंटेंसेस के डिफरेंसेस को बेहतरीन ढंग से समझ पाए। हमारा अगला सेंटेंस है माई ग्रैंड फादर टॉक वेरी स्लोली। टॉक यहाँ पर हमारा वर्ब है। माई ग्रैंड फादर डिड नॉट टॉक वेरी स्लोली, मेरे दादाजी धीरे बातें नहीं करते थे, नहीं किया करते थे। पोस्टमैन ब्रॉट मी ऑस्पिशियस मैसेज, पोस्टमैन ने मेरे लिए शुभ संदेश लाता था या लाया। हुज मैसेज डिड पोस्टमैन ब्रिंग, किसका मैसेज लाया, मतलब वो जो मैसेज आया था किसकी तरफ से आया था। तो हम पूछेंगे हुज मैसेज डिड पोस्टमैन ब्रिंग, विच टाइप ऑफ मैसेज डिड पोस्टमैन ब्रिंग, पोस्टमैन किस तरह का मैसेज लाता था या लाया। तो विच टाइप ऑफ मैसेज डिड पोस्टमैन ब्रिंग। तो देखिए हमने आपके साथ में ये पांच जो हमारे अभी आपने हिंदी देखे वो सेंटेंसेस के हमने नेगेटिव अंग्रेजी में जो बनाए हैं, नेगेटिव बनाए हैं, अफर्मेटिव बनाए हैं, हमने उनके WH क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह से अचानक बोल पाएं, सीख पाएं, हम कैसे अंग्रेजी को किसी के द्वारा जब बोली जाती है समझ पाएं, तो इस तरह के आप मिक्स सेंटेंसेस बना के हमारे साथ सीख सकते हैं। इसलिए आपको मिक्स सेंटेंसेस जरूर बनाते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने जो सेंटेंसेस अभी नोट किया है, अगर कोई सेंटेंस आप मिक्स करते हैं चुप जाते हैं तो उसे फिर हमारे वीडियो को एक बार रीस्टार्ट करके सारे सेंटेंसेस जरूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि किस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। आप अपने आंसर हमारे साथ, अपने बनाए हुए सेंटेंस हमारे साथ शेयर जरूर करें ताकि हम समझ पाएं कि आप हमारे इन वीडियोस के साथ में सेंटेंसेस के साथ में किस तरह से लाभ उठा पा रहे हैं। तो चलिए आप सेंटेंसेस को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ के अगले सेंटेंसेस आपको दिखाते हैं जो हमने अभी देखे थे। हमारे सेंटेंसेस को किस तरह से हम नेगेटिव इंटरगेटिव बनाते हैं सिंपल पास्ट में, आप हमारा वीडियो नंबर 4 देख रहे हैं। तो हम इन जो बचे हुए हमारे सेंटेंसेस हैं उनके करते हैं अंग्रेजी में अनुवाद। हमारे सेंटेंसेस यहाँ पर मिक्स है, मिक्स है। देखिए फिर से हमारा छठवां नंबर जो सेंटेंस है छठवां, वो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब से बना हुआ है। यू आर इन कॉर्नर, तुम कोने में थे। तो यू आर इन कॉर्नर, तुम कोने में थे। वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। क्वेश्चन बना है, इस बार आप काले रंग के अक्षरों से देखिए, हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया है वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। सातवां नंबर सेट है यू सेट इन कॉर्नर, तुम कोने में बैठते थे। वेयर डिड यू सिट, तुम कहाँ बैठते थे या तुम कहाँ बैठे, ऐसा भी हो सकते हैं तुम कहाँ बैठे। व्हाई डिड यू सिट इन द कॉर्नर, तुम कोने में क्यों बैठे, अगर पूछना है क्यों बैठे तो व्हाई डिड यू। तो देखिए जैसे ही हमने डिड लगाया है जो हमारा वर्ब है सिट वो फर्स्ट फॉर्म में दिख रहा है, सेकंड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। हमारा अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड्स प्लेड वेरी वेल, मेरे मित्र मेरे फ्रेंड्स अच्छा खेलते थे, खेले। हूज फ्रेंड्स प्लेड वेरी वेल, किसके मित्र अच्छा खेले। हाउ डिड योर फ्रेंड्स प्ले, तुम्हारे मित्र कैसा खेले। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स कैसा खेले। हाउ से हमने पूछा है, ढंग पूछा है, तरीका पूछा है कैसे खेले। हमारा अगला सेंटेंस है ही बॉट ऑनियंस चिलीज ब्रिंजल फ्रॉम मार्केट, वह बाजार से ये सारी चीज़ें खरीदता था, प्याज मिर्ची भट्टे आदि। तो हमने वर्ब यूज किया है वहाँ पर खरीदने का बॉट। व्हाट डिड ही बाय फ्रॉम वेयर, यहाँ पर हमने एक साथ दो क्वेश्चन बनाए हैं कि वो कहाँ से क्या खरीदता था। तो एक बार हमने व्हाट यूज किया है, एक बार हमने वेयर यूज किया है, एक ही साथ आप दो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देख समझ सकते हैं कि एक लाइन में दो क्वेश्चन, एक ही तरह के क्वेश्चन में किस तरह से दो क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। चलिए हमारा आखिरी सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज केयरफुल फ्रॉम पिक पॉकेटर्स, ही वॉज केयरफुल फ्रॉम पिक पॉकेटर्स, वो जेब कतरों से सावधान थे, सावधान रहते थे। हुम वॉज ही केयरफुल फ्रॉम, वो किनसे सावधान थे, किनसे सावधान रहते थे। तो यहाँ पर हुम, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं जिनसे सावधान रहते थे वो हमारे पिक पॉकेटर थे, मतलब जेब कतरे थे। हम पूछ रहे हैं किन से, मतलब हम पूछ रहे हैं जेब कतरे के स्थान पर हमने यूज कर लिया है क्वेश्चन वर्ड हुम। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा किन से हम सावधान रहते थे, हमने जेब कतरे जो वर्ड है वो पिक पॉकेटर्स हटा दिए। इसी तरह के मिक्स सेंटेंसेस आप बनाइए। आप फिर से आप हमारे सेंटेंसेस को फिर से एक बार देख लीजिए, रीड करिए, कब हमने वाज वर्ब से सेंटेंसेस बनाने सिखाए, कब हमने सेकंड फॉर्म और हमने डिड के साथ में नेगेटिव इंटरगेटिव को कैसे कन्वर्ट किया है, चेंज किया है। तो हमने आगे की वीडियो में आपके लिए होमवर्क रखा है, अभी जो सेंटेंस हम दिखाएंगे अगले पेज में हमने आपके लिए होमवर्क भी रखा है। तो आप आगे आपके लिए खुद के लिए होमवर्क भी देख पाएंगे, आप होमवर्क सॉल्व करके खुद के जो सेंटेंसेस के बनाने के तरीके वो सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल के साथ में आप सीखते रहिए हिंदी के माध्यम से इंग्लिश, कलर कोड से देखिए कि किस तरह के सेंटेंसेस को आप शुरुआती दौर में पहचान पाएंगे, बार बार प्रैक्टिस के साथ में आप फिर सीखते चले जाते हैं कैसे आप वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म को बहुत आसानी से 230 वर्ड के सेंटेंसेस जो हम वर्ब देखते हैं उनके माध्यम से आप पूरे वर्ब के सेंटेंसेस बना पाएंगे, रट पाएंगे, पूरा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आप रट सकते हैं, किस तरह से वो आसान हो जाता है। चलिए हमको देते हैं कुछ होमवर्क जो आपके लिए जरूरी होगा, आप होमवर्क हमारे साथ आपके आंसर जरूर शेयर करें ताकि हम समझ पाएं कि
आप हमारे साथ किस तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं। हम अगले साल अगले वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस के भी सेंटेंसेस। तो आपके स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स वो 10 सेंटेंसेस जो हमने आपके लिए होमवर्क बनाया है, सिंपल पास्ट के साथ में आपको इन्हें चेंज करना है, इन्हें यूज करना है। और आप देखेंगे हिंदी जो हमने आपको बताया है बार बार कि हमारे सेंटेंसेस से करता था, करती थी, करते थे, इस तरह से भी एंड हो सकते हैं, या आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या ए की मात्रा से भी हमारे सेंटेंसेस यहाँ पर एंड होंगे। तो आप फ्रेंड्स हिंदी के सारे सेंटेंसेस को पढ़ लीजिए। हमने कुछ वहाँ आपके लिए वर्ब भी शेयर किया है, वर्ड शेयर किया है जिसे आप यूज़ करके नेगेटिव इंटरगेटिव बना पाएंगे। इसमें अगर आपको कोई वर्ब के सेकेंड फॉर्म पहचान करने में दिक्कत होती है तो आप हमने जो आपके साथ लिंक शेयर किया है सेकेंड थर्ड जो फॉर्म होते हैं वर्ग के पहचानने के, उन लिंक से आप सेकेंड थर्ड फॉर्म वर्ग के देख सकते हैं, उन्हें याद करते जाइए, अपने जीवन में यूज़ करिए तो आप कर पाएंगे। वैसे वर्ब यहाँ पर आसान है, सिर्फ 7वां नंबर जो सेंटेंस होगा उसमें आपको वहाँ पर ईडी की जगह ग्रो में एन लगा करके ग्रोन यूज करना है। 9 नंबर का जो सेंटेंस होगा उसमें वहाँ पर आपको गया के लिए वेंट यूज करना है, गो वेंट गॉन, तो आपको वेंट यूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हमने सेंटेंसेस आपके लिए अलग अलग दिए। आप इस वीडियो को आप शुरू से शेयर करके फिर से आप चालू करके फिर से स्टार्ट करके सारे सेंटेंसेस देख लीजिए, हिंदी के सारे सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए, ऐसे ही सेंटेंस आप खुद बनाइए। इसी तरह से धीरे धीरे करके आप सीखते जाएंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी सीखना इतना मुश्किल नहीं होगा, बस आपको चाहिए कि एक रोज़ प्रैक्टिस, रोज एक पैटर्न की तरह एक 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 नियम से एक स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। तो चलिए आप फिर से हमारे साथ इस वीडियो को जो हमने बनाया है आप हम आगे बढ़ेंगे कुछ नए सेंटेंसेस। आप इस वीडियो के सारे सेंटेंसेस को फिर से एक बार देख लीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, अपने जो भी आपको डाउट है वो हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, आई स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ल्ड। सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कॉमेंट, प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो। शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।